अच्छा अच्छा बच्चों, सो देखिए, तो ये हमारे आई कैप की बुक के क्या है क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइक फॉर प्रॉफिट। तो ये किसके लिए बना है, प्रॉफिट के लिए। जाहिर है हम मुनाफा कमाना चाहते हैं, ठीक होगा बच्चों। अच्छा चलिए नेक्स्ट करते हैं, The board of directors are the most powerful decision maker of our business. If this is true, what factor can influence decision of board of director? Choose the best answer from the following. इसमें से best option कौन सा है, कौन सी चीज इसको, तो ये obviously इसमें सबसे पहले कौन आ जाएंगे, मालिकान आ जाएंगे business के, उनकी बात को सोचना और समझना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ऑफ अ कंपनी, जो एक्सटर्नल नहीं हो सकते, क्या बात बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज नॉन एग्जीक्यूटिव। वैसे ना उन्हें ये एग्जीक्यूटिव चाहिए थे, उन्हें तो ये एग्जेक्टिव चाहिए थे, लेकिन हमारी बुक में गलती से यूं लिखा हुआ था, शायद आपकी बुक में आर्डर हो गया हो। नहीं बच्चों, नॉन एग्जेक्टिव है, तो चले हम कर देते हैं, क्योंकि देखिए लैंडर तो इससे ज्यादा दूर वाके हैं, लोकल कम्युनिटी उससे ज्यादा दूर है, कंपेटिटर डेफिनेटली बाहर है, तो इसमें से कोई बंदा अगर अंदर हो सकता है तो कौन है, ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड कौन हो सकता है, एग्जेक्टिव डायरेक्टर। अच्छा बच्चों, ट्रू और फॉल्स, द जनरल पब्लिक हैज टेक आर इंटरेस्ट इन मेजर कंपनीज बिकॉज एक्शन ऑफ दीज कंपनीज कैन इफेक्ट आवर सोसाइटी एज अ होल। क्या हाल है, जो भी कंपनी एक्शन करेगी उससे पूरे का पूरा मुआशरा मुतासर होगा, ठीक है ना। देखिए पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ऊपर अल्लाह ना करे कोई इश्तहार बना बैठते, दो कौमी नजरिए को गलत बात कह देते, तो ये काफी क्वेश्चनेबल बात है। हमारे एशियन रवायती कल्चर के अंदर कोई वेस्टर्न इश्तहार चला रहे थे, तो हमारे लिए बड़ी तसदीक की बात है कि उन्होंने हमारी रवायात को ख्याल नहीं रखा। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन बाय गवर्नमेंट हैज एन इंटरेस्ट इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या वजह हो सकती है, गवर्नमेंट को क्या मिलता है बच्चों, टैक्स मिलता है। अच्छा उसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट इंकरेज होती है, और क्या होता है बच्चों जी, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये एक लिमिट में भी काम करे ना, हमारे रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर विल यूजुअली एग्री टू अलाउ देयर कस्टमर सम क्रेडिट, कब देंगे क्रेडिट में चीजों को, शाबाश, जब उन्हें ये यकीन हो कि कस्टमर उनके पैसे मारेगा नहीं, यानी बैड डेट्स नहीं होंगे, और वो उन्हें टाइमली पेमेंट कर देगा, तो वो उसे क्रेडिट में माल दे सकते हैं। अच्छा बच्चों, फर्म टिपिकली रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट बाय ऑल द कैपिटल इंजेक्टेड बाय द ओनर्स, देयर पर्सनल एसेट्स आर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस, व्हिच स्टेक होल्डर कुड बी आर रिसोर्स फंडिंग ऑफ न्यू बिजनेस, कौन सा स्टेक होल्डर सोर्स फंडिंग हो सकता है, लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी कर्ज देने वाले लेने वाले। अच्छा कहता है कि बात यह है कि टिपिकली देखा जाए तो एक बिजनेस जब चलता है तो उसके अंदर पैसा कौन लगाता है, जो पैसा लगाता है वो कौन है, मालिक अपने पास से लगाता है, और वो उसके जाती एसेट्स होते हैं, छोटा बिजनेस ऐसे ही चलता है, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा स्टेक होल्डर है जो सोर्स बन सकता है फंडिंग के लिए, तो जाहिर है सप्लायर कर्जा तो नहीं दे सकता, कस्टमर कर्जा तो नहीं दे सकता, गवर्नमेंट भी आमतौर पर कर्जा नहीं देती, कर्जा ज्यादातर कौन देते हैं, बैंक्स वगैरह या फाइनेंशियल कंपनीज, क्लियर बच्चे। अच्छा ये फीचर ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस
that a government of a free market economy would recognize to allow business to be set up. यानी जो फायदे गवर्नमेंट को पहुंच रहे जी शाबाश सीधी बात यह है कि उसकी कंज्यूमर को ज्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी. बिजनेस क्रिएट वर्क फॉर बिजनेसेस एंड ऑनर्स एंड बिजनेस रिड्यूस द कंट्रीज. ये सारी वो बातें जिससे हुकूमत को क्या मिलता है फायदा. कि अगर कस्टमर को वो चीज मिल रही जिसकी उसको जरूरत है, दवाई हो गई, अच्छी दवाई मिल रही है, हुकूमत कहेगी माहौल तो हमने दिया ना, अच्छा कपड़ा मिल रहा है, अच्छे जूते मिल रहे हैं, जरूरत की चीजें मिल रही है, माहौल किसने दिया जी, हमने बनाया जी, हमने बड़ा काम किया, जॉब मिल गई लोगों को, लो जी हमने जी 1,00,000 जॉब्स क्रिएट कर दी. तो वो क्या करेंगे, वो अपना नाम उनका बन जाएगा. लोग कहेंगे हाँ यार बिजनेस पॉलिसी बड़ी अच्छी बनाई है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल ऑफ गवर्नमेंट टू फुलफिल बाय इनकरेजिंग न्यू बिजनेस सेटअप. जी शाबाश बच्चो, क्या फायदा होगा, कौन सा गोल गवर्नमेंट फुलफिल करती है नए कारोबार को इनकरेज करके कि वो स्टंबल क्या हो वो स्टैब्लिश हो जाए. तो बच्चों बिजनेस रिड्यूस कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट. अच्छा यहाँ प्रॉफिट का फैक्टर इसलिए नहीं आएगा बच्चों क्योंकि गवर्नमेंट का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है. गवर्नमेंट प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं लेती, टैक्स लेती है वो एक अलग बात है. और पेइंग सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या तो बिजनेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देता है? कभी सुना है कि पैकेजेस ने रेलवे के एम्प्लॉय की सैलरी दी हो? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता. क्या हाल है? और कंपनी जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कराती इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या हाल है? आमतौर पर ऐसा नहीं होता. गवर्नमेंट से लाभ के लिए चंदा चुंदा इकट्ठा करे तो मल्टीनेशनल कहेंगी हाँ यार ये नेकी का काम है, इसमें पैसे डाल देते हैं. लेकिन उसके अगेंस्ट भी वो गवर्नमेंट से क्या मांगेंगे, जितना देंगे उतना टैक्स क्रेडिट मांगेंगे बाद. नेकी का काम किया था, प्रॉफिट में से किया था ना, चलो अब इतना टैक्स क्रेडिट दो. अच्छा बच्चों, ट्रू और फॉल्स, ए स्टेक होल्डर इज एनीवन हु एनी स्टेक इन बिजनेस व्हाइल शेयर होल्डर इज अ पर्सन हु ओन्स शेयर और स्टॉक. क्या हाल है? ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंसर्न ऑफ शेयर होल्डर. शेयर होल्डर का मेन कंसर्न क्या होता है? मुनाफा ना गिरे, गिर गया तो कंसर्न है ना, और शेयर की कीमत भी ना गिरे, और ये भी कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा ना लगाए जहां रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो, और ऐसा भी ना हो कंपनी किसी और को बेच रहे हो या कोई और कंपनी खरीद रहे हो जो नकारा हो, किसी काम की ना हो, बस एवं पैसे देकर खरीद लें तो पैसा तो हमारा है. तो ये उनके सीरियस कंसर्न है कि नहीं है बच्चों? तो आला तो गो हो गया. अच्छा जी, मैनेजर इन द मिडल एंड जूनियर रैंक्स ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की माइट हैव एम्बिशियस टू बिकम सीनियर मैनेजर, हाउएवर देयर इंटरेस्ट एंड कंसर्न आर डिफरेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द इंटरेस्ट ऑफ जूनियर एंड अदर एम्प्लॉइज, वर्किंग कंडीशन अच्छी चाहते हैं, अच्छी लाइट हो, पीने का पानी हो, अच्छा कंप्यूटर, अच्छी टेबल और चाय पीने के लिए कोई अरेंजमेंट, सब कुछ हो, तो इसमें मतलब वर्किंग कंडीशन अच्छी चाहते हैं, जॉब की सिक्योरिटी भी अच्छी हो. ये नहीं है कि बशर साहब आए उसे लेक्चर पढ़ा लें और आगे मालिक खड़ा किधर चल नहीं, वो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए. क्या हाल है बच्चों? और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो होनी चाहिए थोड़ी सी. ये क्या हुआ, कभी लेक्चर के लिए इधर भगा देते हैं, कभी उधर भगा देते हैं. चलो आगे चलो, आपके 12 बजते नजर आ रहे. अच्छा बच्चों, विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल स्टेक होल्डर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ग्रुप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल स्टेक होल्डर. क्या हाल है बच्चों? देखिए ये जो मेन शेयर होल्डर है इसको तो इंटरनल माना जा सकता है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी माना जा सकता है, फाइनेंस मैनेजर ये तो है ही, प्योरली अंदर बैठे हैं ये, एमएस ए टैक्स सुपीरियर सप्लायर ऑफ मशीनरी ये बाहर का है ना बच्चों, ना कि ठीक हो गया. आगे चले,
By using Dash, efficiently a company can produce more goods and services with the same resources. कैसे हो सकता है बच्चों? Actual production है, जब बाकी सारी चीजें उसके अंदर ही कवर हो जाएंगी. वो मेन टॉपिक है, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब आ गया क्या? True and false. A mission describe organization's basic function in the क्या हाल? बुनियादी मकसद मुआशरे में एग्जिस्ट करने का एक ऑर्गेनाइजेशन का, द टर्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करता है. अगर देखा जाए तो हमने जो बनाया था क्या लिखा था? लिखा था विजन था, मिशन जो लिखा था, बाय कलेक्टिव एफर्ट एंड कोलैबोरेटेड फाइनेंशियल क्या रिसोर्सेज एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, है ना? तो देखा जाए तो वो मकसद ही तो था हमारा मुआशरे में, क्या हम एक टाउन आबाद करेंगे, वो सेफ होगा, उसमें हम वसाइल लगाएंगे और अपनी ही डेमोक्रेटिक कंट्रोल से हम उसको चलाएंगे. तो देखा जाए तो मुआशरे एग्जिस्टेंस की वजह भी तो यही थी. तो इस वाले किसी हद तक बात ठीक है कि जनाब ये जो होता है ना आपका मिशन, ये वजह है आपके एग्जिस्टेंस की. और विजन होता है क्या? फ्यूचर के मुताबिक वो ख्वाब होता है, और मिशन वजह होती है आपके एग्जिस्टेंस की. और मिशन ये भी बताता है आप ये कैसे अचीव करेंगे, थोड़ा बहुत उसमें लिखा होता है. अच्छा बच्चों, ए विजन इज मोर टू डू विद क्या हाल है? अच्छा जी, चले सही मान लेते हैं आपकी बात. आप पूरा पढ़ते भी जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं. बट अच्छा, पेपर में जल्दी नहीं करनी बच्चों, सोच समझ के बात करनी. व्हाट इज द की क्वेश्चन ऑफ ए व्हाट इज द की क्वेश्चन टू आंसर व्हेन डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट? बिजनेस क्या है, बिजनेस कस्टमर को क्या डिलीवर करेगा, व्हाट विल बी ओवर बिजनेस बी, क्या हो जाएगा, क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा बच्चों, 18 Dash are the people who combine input of natural resources, labor and capital. बाकी सारे फैक्टर को ऑर्गेनाइज करता है, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर. अच्छा बच्चों, नाउ व्हाट इज द सिंगल एलिमेंट सेट्स मिशन स्टेटमेंट अपार्ट फ्रॉम अ, कौन सी ऐसी चीज है जो अलहदा कर सकती है मिशन को विजन से? जी प्रेजेंट और फ्यूचर. जी, मिशन का ताल्लुक प्रेजेंट के साथ है, कंसीडरिंग द मिशन स्टेटमेंट ये इसका ताल्लुक, वर्सेस विजन स्टेटमेंट दैट एस्पेक्ट्स ऑफ करंट वर्सेस फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट. ये क्यों नहीं है मिशन स्टेटमेंट इज लॉन्गर देन जी? क्या हाल है? मान तो सकते हैं मिशन स्टेटमेंट अक्सर बड़ी होती है विजन से, और मिशन स्टेटमेंट शॉर्टर होती है देन का, ये तो वैसे ही गलत है. लेकिन मेन बात ये है क्या कि मिशन का ताल्लुक आज के साथ है और विजन का ताल्लुक फ्यूचर के साथ है. क्लियर बच्चों? चले, तो ये आपका काम क्या हो गया?